मैं आपके गुजारिश पर वीडियोस अपलोड करता हूं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं के बिनती पर या के गुजारिश पर। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ, मतलब के बिनती पर या के गुजारिश पर। जैसे वह पापा के बिनती पर घर आई। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी केम होम एट द रिक्वेस्ट ऑफ डैड। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि बिनती पर के लिए मैंने लिखा एट द रिक्वेस्ट ऑफ। आइए फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं आपकी बिनती पर वीडियोज बनाता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई शूट वीडियोज एट द रिक्वेस्ट ऑफ यू। तो फ्रेंड्स जब कभी भी आपको कहना हो के बिनती पर या के गुजारिश पर, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए एट द रिक्वेस्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपकी गुजारिश पर यह किया, तो आप कहेंगे आई डिड दिस एट द रिक्वेस्ट ऑफ यू। मैं अपने चाहने वालों की गुजारिश पर एक गाना गाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल सिंग अ सॉन्ग एट द रिक्वेस्ट ऑफ माई फैन। क्लास टीचर के गुजारिश पर बच्चों ने एक पार्टी रखी। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द स्टूडेंट्स हेल्ड ऑन अ पार्टी एट द रिक्वेस्ट ऑफ क्लास टीचर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एट द रिक्वेस्ट ऑफ का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जल्द बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।